अस्सलाम वालेकुम, मैं साइमा रजाक। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आई हुई हूँ लाहौर, और लाहौर में तो आज मौसम बहुत ही अच्छा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इंजॉय कर लिया जाए। तो इंजॉय करते करते मैंने सोचा, बारिश हो रही थी तो मैंने कहा थोड़े से आम लेके जाते हैं घर पे और मज़े से आम खाते हैं। तो वो मैं आम की रेडी पे रुक गई, और आम की रेडी पे रुकी तो आम 120 रुपये किलो। तो वो आएगा आगे चल के, मैं आपको बताती हूँ, आप इतनी बता रही मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, बात करवाती हूँ आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इजाज़ अहमद। इजाज़ भाई, आप खड़े हो सकते हैं? हाँ जी, हो जाए। अच्छा, ये जो आपने स्टिक रखी हुई है, मैंने इसलिए आपको बोला कि आप खड़े हो जाएं। तो ये स्टिक रखी है, इस स्टिक का क्या है, कुछ प्रॉब्लम हुई भी आपको? एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था? कैसे हुआ था? रक्षा माल का भरा मेरे ऊपर आ गया था, फिर वो चूकने की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। अच्छा, तो ये इसके बगैर आप खड़े नहीं हो सकते? हो जाता। अच्छा, हो जाते हैं। ज्यादा खड़ा होना हो तो इसका सहारा चाहिए होता है? ज्यादा देर बैठा रहूं तो फिर इसका सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, ज्यादा देर बैठ के जब खड़ा होना पड़ता है तो फिर इसका सहारा चाहिए होता है। कब से आप आम बेच रहे हैं? ये तकरीबन 35-37 साल से। 35-37 साल से? 36 साल से। अच्छा, आम सबसे अच्छा वैरायटी में कौन सा होता है? अनवर टोर। अच्छा, वो क्या किलो है उसका रेट? सबसे ऊपर होता है। वो आपके पास है? नहीं। अच्छा, अभी कौन कौन सा आम रखे हैं? अभी मेरे पास 64 सिंदड़ी है। अच्छा, सिंदड़ी मैंने सुना है कि ज़्यादा अच्छा होता है। ये मिल्क शेक में काम आता है। और 64 खाने के काम भी आता है, मिल्क शेक में ही चलता है। चौसा वो थोड़ा सा मीठा ज़्यादा होता है। हाँ जी। अच्छा, आप रहते किधर हैं? कसूर शहर। कसूर शहर, वाह जी, बाबा बुल्ले शाह का शहर है जी, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। और कसूर वालों को मेरी तरफ से सलाम, और आप कुछ कहना चाहेंगे कसूर वालों के लिए? कसूर वालों के मेरी से सलाम है, दुआएं हैं। आपके रिश्तेदार होंगे ना वहाँ पे, कोई मैसेज देना चाहते हैं? बस वो हफ्ते में एक बार आधा चक्कर लग जाता है, मिलाते हैं उनको। अच्छा, आप जाते रहते हैं? चाहता है कि मैं पिछली दफ़ा आई थी, पिछले साल भी कसूर गई थी, तो इस साल भी इंशाल्लाह चक्कर लगेगा हमारा कसूर में। तो मैंने सोचा आपसे आम लिए जाएं, तो सबसे अच्छे आम कौन से ये बताएं, अपनी बहन को कौन से आम देने लगे? ये 64 आप ले जाएं, आप बहुत अच्छा आम है। अच्छा, 64 है तो भी यहाँ पे 64 आम इनके पास है, और रेट कह रहे हैं आप, रेट मेरे से क्या कर रहे हैं? आप 120 बेच रहे हो, आप 150 दे देना। वाह जी वाह, ये भाई वागी कसूर से आया हुआ लग रहा है मुझे। ये देखिए जी, स्टिक मैंने भी पकड़ ली है। वैसे ये ऐसा की स्टिक जो है ना, हम लोग मरी में जाते हैं ना, तो मरी में अक्सर यूज करते हैं। आपको वहाँ पे चलने में प्रॉब्लम हो रही होती है, ऊंची नीची जगह होती है, तो वहाँ पे ये जो बर्फ़ में भी आपको ज़ोर से कंट्रोल करता है। तो ये भाई के पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा शायद इनको कुछ प्रॉब्लम हुई हो, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। तो इन्होंने बताया कि इनका एक एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के दौरान इनको कुछ चोटें लग गई थी, और उसके बाद इन्होंने ये स्टिक का सहारा लेना शुरू किया है। अच्छा, लाहौर आके ये पैदा हुआ है कि मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी आने लग गई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कराची की रहने वाली हूँ, और कराची शहर से लाहौर आई हूँ, तो मुझे पंजाबी बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन साढ़े तो वो कहते हैं ना, साढ़े ना रहोगे तो ऐश करोगे, तो वही यहाँ पे हुआ है मेरे साथ कि पंजाब आके पंजाबियों के साथ मुझे पंजाबी आ गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।